मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो भी एडवोकेट्स हैं जो किसी पक्षकार से वकालतनामा लेते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो अन्यथा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए जो LLB के छात्र LLB पास करने के बाद चाहे वो 5 ईयर्स लॉ हो 3 ईयर्स लॉ हो इन बातों को उन्हें जानना चाहिए। जो भी एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं और भी एडवोकेट्स हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कब किन किन बातों में बनता है। सबसे पहला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले में ये कहा है कि वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल नहीं कर सकते, इस बारे में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट 2002 के केस में कहा है। तो वकीलों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी डिमांड्स को लेकर स्ट्राइक नहीं कर सकते क्योंकि इससे क्लाइंट्स के इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं। दूसरा, ये वकील का दायित्व है कि वो बिना डिग्री के कोर्ट में पैरवी ना करे। BCCI के भी ऐसे डायरेक्शन हैं, प्रैक्टिस करने के लिए एडवोकेट का लाइसेंस होना जरूरी है, सबसे पहले LLB पास करें, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन ले लें, स्टेट बार काउंसिल में भी एनरोलमेंट ले लें और ये जैसे LLB के साथ जो है वो सेक्शन 45 है उसमें 6 महीने तक की बार काउंसिल ने सजा प्रिस्क्राइब की हुई है अगर इस तरह का बिना लाइसेंस लिए हुए कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है। उसके अलावा उसके ऊपर जालसाजी का भी मुकदमा चल सकता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। दूसरा, क्लाइंट को आपने क्लाइंट को जिससे आपने वकालतनामा लिया है हमेशा सही राय दें, उसे मिसगाइड ना करें। ये आपके पांडुरंग सीताराम भगत वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो ये आपकी प्रोफेशनली और लीगली ड्यूटी है कि क्लाइंट को सही ओपिनियन दें। दूसरे, कोई अन्य व्यवसाय चाहे आप दुकान करें, स्कूल करें, कोई बिजनेस करें, ये नहीं कर सकते, केवल आप एडवोकेसी के अगर प्रोफेशन में हैं, अन्यथा आपको लाइसेंस सस्पेंड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विपक्षी जो भी पक्षकार हैं उनसे आप मिल नहीं सकते, उनसे मत मिलिए, बातचीत भी मत कीजिए अपने क्लाइंट का जिससे नुकसान ना हो। आपकी ड्यूटी है कि अपने क्लाइंट के जिससे आपने वकालतनामा लिया है फेवर में काम करें और उसके प्रति पूरी ड्यूटी को निभाएं। क्लाइंट का चूंकि आपने वकालतनामा लिया है उसमें भी ये कंडीशन रहती है कि उसके बिहाफ पे आप जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे। नेक्स्ट है, क्लाइंट से किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट है उससे संबंधित न खरीदें या बेचें। तो इस बात का भी विशेष ध्यान PD गुप्ता वर्सेज राममूर्ति के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा माना है, अन्यथा ऐसे इस मामले में 1 साल तक की वकील साहब की सनत को सस्पेंड कर दिया गया था। दूसरा, लॉयर्स शुड नॉट टेक ब्राइब। वकील के किसी के नाम से या अन्य किसी व्यक्ति या जज या न्यायाधीश के नाम से भी पुरुषोत्तम एकनाथ नामदेव वर्सेस DN महाजन में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वकील को किसी के नाम से रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह कुल मिलाकर ये काफी नोबल प्रोफेशन है, इस पे लोगों का काफी भरोसा है, वकील वैसे भी कोर्ट ऑफिसर है, न्यायदान में उसका विशेष योगदान रहता है। तो इन कुछ बातों को जैसा मैंने आपको बताया, हड़ताल नहीं करनी चाहिए उनको, दूसरा बिना डिग्री के कोर्ट में अपीयर नहीं होना चाहिए, कोई अन्य व्यवसाय नहीं करना चाहिए, क्लाइंट को हमेशा सही राय देना चाहिए, विपक्षी से नहीं मिलना चाहिए, इसके अलावा वो उनको किसी जज वगैरह या वकील के नाम से कोई रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और क्लाइंट से कभी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना नहीं चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर यदि आप एडवोकेसी का प्रोफेशन करते हैं, लीगल प्रोफेशन करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं। मैंने ये वीडियो जनरली जो लॉ एस्पायरेंट्स हैं वकालत के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या LLB करना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए बनाया है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए, जुड़े रहिए इस पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं आपके समक्ष छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से कुछ कानूनी जानकारियां आपकी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है अर्चना RTF के नाम से, आप उसे भी चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।